हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दो टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं। इनको जनरली आयर रिसीवर कहते हैं। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इनको देखा होगा, इवन आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में इनको यूज़ भी किया होगा। इसमें जो दो टर्मिनल वाला कंपोनेंट है इसको फोटोडायोड कहते हैं और थ्री टर्मिनल वाला कंपोनेंट को TSOP IR सेंसर कहते हैं। फोटोडायोड्स को लाइन फॉलो रोबोट्स, स्मोक डिटेक्टर्स एंड प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर्स ऐसे कुछ एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जबकि TSOP को या जो TSOP IR सेंसर है उसको TV, DVD, DTH रिसीवर सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। दोनों ही कंपोनेंट्स IR लाइट सेंस करते हैं, फिर भी इनके एप्लीकेशंस अलग अलग क्यों हैं? हम TV या DTH में TSOP की जगह फोटोडायोड्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। हम फोटोडायोड और TSOP IR रिसीवर के मेजर डिफरेंस क्या है वो भी आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द टियारा टेक शो। सबसे पहले बात करते हैं फोटोडायोड की। जब इसमें IR लाइट फॉल होती है तब ये कंडक्ट करने लगता है और इसमें से करंट फ्लो स्टार्ट होता है। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड लाइट, जो हमें विजिबल नहीं होती है जनरली। उसको देखने के लिए आपको मोबाइल कैमरा को यूज़ करना होता है। मोबाइल कैमरा से आप IR लाइट इजीली देख सकते हैं। लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इससे जो करंट फ्लो होता है वो वेरी भी करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ एक सर्किट एनिमेशन के थ्रू हमने वो आपको समझाया है, आप उससे ये पूरा ऑपरेशन समझ भी सकते हैं। बट इसका ऑपरेटिंग डिस्टेंस कम होता है। एक और डिसएडवांटेज फोटोडायोड का ये है कि सनलाइट या फिर एक्सटर्नल रूम लाइट में भी ये कंडक्ट करने लगता है। इस वजह से सनलाइट में फोटोडायोड बेस्ड सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करते। आपने ये नोटिस किया होगा अगर इस टाइप का कोई सर्किट आपने बनाया होगा तो। IR रिमोट के सिग्नल फोटोडायोड कैच तो करता है, बट उसकी जो सेंसिटिविटी है वो लेस होने की वजह से इसको हम TV या DTH में जो TV या DTH रिसीवर है उसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपरली उस सिग्नल को कन्वर्ट नहीं कर सकता, और अगर कर भी लिया तो हमें फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। जबकि TSOP IR रिसीवर में फोटोडायोड्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको एलिमिनेट किया गया है। इसमें एक्सटर्नल नॉइज फिल्टर लगा हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ IR बेस्ड मॉड्यूलेटेड डिजिटल सिग्नल को ही रिसीव करता है। TV रिमोट्स या DTH रिमोट्स के बटन्स जब हम प्रेस करते हैं तब वहाँ से एक स्पेसिफिक कोड ट्रांसमिट होता है विथ 38 किलोहर्ट्स की कैरी फ्रिक्वेंसी। यानी 38 किलोहर्ट्स की कैरी फ्रिक्वेंसी के साथ एक स्पेसिफिक कोड ट्रांसमिट होता है जब भी हम रिमोट की बटन को प्रेस करते हैं। तब TSOP IR रिसीवर 38 किलोहर्ट्स की जो कैरियर फ्रिक्वेंसी या सिग्नल है उसको वहाँ से सेपरेट आउट करता है और जो बटन के कोड्स है उसी को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र कर देता है सर्किट में। इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के वजह से ही ये लॉन्ग डिस्टेंस अप टू 20 फीट तक वर्क कर सकते हैं। TSOP का डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही प्रोसेस कर सकता है, एनालॉग के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। पर हाँ, आप प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर ज़रूर इस TSOP को यूज़ करके बना सकते हैं। TSOP 1738 और TSOP 1838 कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ टेबल में हमने दोनों के कंपैरिजन भी दिए हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। आशा करते हैं कि आपको ये सब अब समझ गया होगा कि क्यों हम TV या DTH में TSOP की जगह फोटोडायोड्स यूज़ नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।